और अगर हमें कुछ ही अमाउंट में ब्लड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ हीमोग्लोबिन चेक करना है, तो हम लोग कौन सा ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं? कैपिलरीज ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि क्योंकि बहुत कम ही चाहिए तो हम लोग कम ही कलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके लिए अलग अलग तरीके से हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारा क्या क्या प्रोसेसिंग है ब्लड कलेक्ट करने की। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन या ब्लड सैंपल्स देख लेते हैं। जो जो लेबोरेटरी के अंदर हमारे ब्लड सैंपल्स या ब्लड कलेक्शन यूज किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है क्लॉटेड ब्लड, जो कि हम लोग वेन पंचर से कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। यूज हमारा होता है सेपरेट करने के लिए सीरम वाला पोर्शन, जिससे कि हमें सीरम मिल सके। ठीक, नेक्स्ट सीरम अगर हमें कलेक्ट करना है तब भी हम लोग वेन पंचर करेंगे, तो आपकी वेन होती है, सबसे ज्यादा प्रीफर हम लोग इसी वाली वेन को करते हैं। आगे भी देखिए कैसे कलेक्शन किया जाता है। सीरम वाला अगर हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तब भी हम लोग वेन पंचर से कलेक्ट करते हैं। क्लॉटेड ब्लड को हमें 20 से 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना होता है, और अपर पोर्शन वाला जो होगा वो सीरम कहलाएगा, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा जिसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, अब इसका यूज किसके लिए आता है? केमिस्ट्री टेस्टिंग के लिए, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए, और ब्लड बैंक के लिए। अगर हमें ब्लड बैंक में सीरम को रखना है, कभी कभी सीरम की रिक्वायरमेंट हो जाती है ना किसी किसी पेशेंट को, तो वो भी ब्लड बैंकिंग में सीरम को भी स्टोर करके रखा जाता है। उसके लिए यूज किया जाता है इस वाले कलेक्शन का होल ब्लड। जो जनरल आप कलेक्शन करते हैं वो आप होल ब्लड का ही कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन आप सीरम के टाइम पर भी होल ब्लड का ही कर रहे हैं, बट आप स्टोर सीरम को कर रहे हैं। कलेक्शन हर टाइप में हर बार में आप कर होल ब्लड दे रहे हैं, बट आप उस चीज को सेग्रीगेट करके उसको प्रोसीजर करके रख उस फॉर्म में रहे, इससे इसका कलेक्शन ऐसे लिखा हुआ है। स्पेसिमेन टाइप का मतलब हमें चाहिए ये। कलेक्शन हम किस चीज का कर रहे हैं? वेन से कर रहे हैं। तो वेन से कभी ऐसा होता है कि आपने सीरम से कुछ कलेक्ट किया है और सीरम ही निकल के आ गए हो? अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता है ना, पर ऐसा नहीं है। कलेक्शन हमेशा होल ब्लड का ही होगा। हमें स्पेसिमेन क्लॉटेड ब्लड का चाहिए, जो हमारे क्लॉट ब्लड है उसका चाहिए, तो हम उसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाएंगे। आपकी जो रेड वाली वाइल होती है उसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होगा। तो अगर हमें कोगुलेशन टेस्ट करना होता है कितने टाइम में हमारा ब्लड कोगुलेट कर रहा है, तो आप हमेशा या वो जो आपका रेड वाली वाइल होती है उसी के अंदर कलेक्शन कर दें। उसके एक तरह से बहुत चीजें आपको बताएंगे। सीरम का अगर आपको कोई टेस्ट कराना है, जो बायोकेमिकल वाले आपके टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सभी टेस्ट क्योंकि सीरम से लगते हैं। होल ब्लड कलेक्ट किया, होल ब्लड को आप सेंट्रीफ्यूज करके सीरम और जो आपका सॉलिड और लिक्विड वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग करके सीरम आप अलग करके रख दो, तो निकल गया आपका होल ब्लड। हम लोग हीमेटोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी को हम लोग होल ब्लड से ही टेस्ट करते हैं। प्लाज्मा, अगर हमें प्लाज्मा चाहिए होता है तो हम लोग होल ब्लड ही कलेक्ट करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाता है? हमारा प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट कैपिलरी ब्लड, जिसको हम लोग फिंगर स्टिक से कर सकते हैं, ईयर लोब से कर सकते हैं, हील स्टिक से कर सकते हैं, इजीली कलेक्शन किया जा सकता है हमारा कैपिलरी ब्लड का। और कैपिलरी ब्लड का हमारा ये क्योंकि वो होता है मिक्सचर होता है वीनस और आर्टेरियल ब्लड का, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं कैपिलरीज पहुंचाने का भी काम कर रही है और खींचने का भी काम कर रही है ब्लड को, यानी कि जो आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी कलेक्ट होकर आपका किन से आ रहा है? कैपिलरीज से आ रहा है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी शरीर में सब जगह पर कैपिलरीज की वजह से पहुंच रहा है, तो ये आपका मिक्स टाइप ऑफ ब्लड होता है। तो यहाँ से हम लोग मिक्स टाइप ऑफ ब्लड करते हैं, स्किन पंचर से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हीमोग्लोबिन वगैरह हम इससे चेक करते हैं, और जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जिनका वेन पंचर हम लोग नहीं कर सकते, कल भी बताया था मैंने आपको, उनका हाथ से जो सॉफ्ट वाले एरिया होते हैं फिंगर से, फिंगर की बहुत छोटी हो गई, तो उनकी हील से हम लोग कलेक्शन करते हैं, क्योंकि इजीली निकल जाता है स्पेसिमेन। जो जिनका हमें सीरम नहीं निकालना है, प्लाज्मा नहीं निकालना है, या स्पेशल फिल्टर कार्ड पेपर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, या हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग करनी है, हीमोग्लोबिन करना है, जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिनमें ज्यादा यूज नहीं है ब्लड का, उसके लिए हम लोग कैपिलरी ब्लड का यूज करते हैं। छोटे बच्चों में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है वीनस ब्लड दे रही, तो उनका भी हील से किया जाता है, वीनस की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है, रेयर तो नहीं, आजकल तो खैर छोटे बच्चे बहुत बीमार पड़ने भी लगे हैं, तो उनका ब्लड कलेक्शन फिर करना पड़ता है, कैबोला वगैरह लगा कर रखते हैं इस टाइम पर, देखा होगा आपने छोटे बच्चों में, बट जनरली उनका कैपिलरी ब्लड कलेक्शन ही कराया जाता है, क्योंकि वो छोटे हैं टिश्यूज, और उनकी जो स्किन है, उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। ठीक
इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेन पंचर के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे मेन चीज़ है हमारी वैक्यूएटेड कनेक्शन, हमारी जो ट्यूब्स होती है, ये ट्यूब्स हमारी कैसी होती है, इनके अंदर जो वैक्यूम होता है पहले से ही होता है। मीन्स अगर कोई ट्यूब है ना, जैसे वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल को आप ऊपर ढक्कन तक भर दोगे, एक लिमिट नहीं है ना कि इस वाटर बॉटल का ढक्कन है वहां तक लिमिट है बस। ऐसे ही आपकी जो ये होती है ना इवेपोरेटेड ट्यूब्यूल्स होती है, जो कलेक्शन की ट्यूब्स होती है, इनके अंदर पहले से ही फिक्स किया हुआ वैक्यूम होता है ब्लड के लिए, इतने ही अमाउंट में ब्लड भर सकता है। वरना अगर ऐसे वैक्यूम ना होता ना तो आप खींचे जा रहे हो ब्लड निकले जा रहा है, और जैसे ही आपने सिरिंज निकाली जब भी ब्लड निकले जा रहा है, इसलिए प्री डिटरमाइंड आपकी वैक्यूम होती है जिससे कि जितना ब्लड निकलना चाहिए उस सिरिंज के अंदर उतना ही निकले। रबर स्टॉपर्स होते हैं, कलर कोडेड होते हैं जिससे कि आप जो ट्यूब्स है वो पता चल जाए कि कौन सी ट्यूब किस चीज़ के लिए होती है। अलग अलग साइज अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना टेस्ट कराना है कि उस बारे जो आपने ब्लड कलेक्शन किया है उसे किस कौन कौन से टेस्ट कराने, जितने टेस्ट कराए कि उस हिसाब से कलेक्शन किया जाता है, तो डिपेंड साइज उसी पर करता है। तो शुद्ध जो आपका ब्लड है उसको कभी भी पॉर नहीं करना चाहिए एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में। रीजन क्या है, जो हमारे ट्यूब्स होती है ना उन ट्यूब्स के अंदर अलग अलग कलेक्शन के लिए यानी अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं। कैसे केमिकल, जैसे किसी में बायोकेमिस्ट्री का अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से केमिकल्स पाए जाएंगे। अगर आपको ऐसा वाला कोई टेस्ट लगाना है जिसमें बस ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, तो आपके वो मिला होता है एंटीकोगुलेंट्स एंटा वगैरह होता है, प्लेन वाइल होती है आपकी, तो आपने किसी एंटीकोगुलेंट वाले ब्लड को प्लेन में डाल दिया तो फायदा क्या हुआ प्लेन में डालने का, या प्लेन वाले से उसमें डाल दो तो हवा तो लगेगी लगेगी, कोगुलेशन हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें एक वायर से दूसरी वायर के अंदर ब्लड को पॉर नहीं करना है। मेन चीज हमारी निडल जो गेज नंबर होता है ये इंडिकेट करता है, बोर्ड साइज का गेज नंबर होता है, जो आपकी निडल होती है उसका नंबर होता है कितने नंबर की सुई है। तो दाता जितना वो होगा आपका गेज नंबर उतनी छोटी निडल बोर्ड होगी, जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी निडल को। निडल्स जो होती है वो इवैक्यूएटेड सिस्टम्स में अवेलेबल होती है, सिरिंज के फॉर्म में भी हो सकती है, सिंगल ड्रॉप के फॉर्म में भी हो सकती है, बटरफ्लाई सिस्टम में भी हो सकती है। मतलब सुई सिर्फ इस तरीके से नहीं लगती जो आप ऐसे निकाल के प्रेशर डाल के तो सुई लगाते हो, आपका जो कलेक्शन होता है वो तीन चार तरीके से होता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। बटरफ्लाई सिस्टम में भी कर सकते हैं, सिंगल ड्रॉप में भी हो सकती है, या सिरिंज के फॉर्म में भी हो सकती है। होल्डर और अडैप्टर जो आपका इवैक्यूएटेड कलेक्शन सिस्टम है उसके लिए, जहाँ पर आप उसको होल्ड करके रखोगे, उसको जहाँ रख रहे हो उस सिस्टम को बोल रहे हैं होल्डर या फिर आपका अडैप्टर। टॉर्निकेट, टॉर्निकेट आपका लेटेक्स का, प्लास्टिक का या रबर का, मतलब किसी चीज़ का जो कि आपको बांध दे, थोड़ा टाइट कर दे आपके हाथ को, ऐसी वाली चीज़ होती है टॉर्निकेट। जैसे हमारे कॉलेज वाला कैसा है, चिपकने वाला जो होता है ना, तो हमारे कॉलेज में वैसा है, जिससे कि क्या कर सकते हैं हम लोग जो ब्लड है उसको कुछ टाइट मिले हम लोग वेन्स को, और उसको मतलब वो करेंगे अगर अपनी स्किन टाइट कर दें तो हमारी वेन्स जो होगी वो इजीली विजिबल होगी, उनको विजिबल करने के लिए टॉर्निकेट का यूज किया जाता है। एल्कोहल वाइप्स, ये क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल वाइप्स कैसी होती है, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। तो वाइप्स जो होती है उनके अंदर 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, जो कि स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए मदद करता है। अगर कोई माइक्रोब्स स्किन के अंदर है और आप बिना क्लीन करे वहां पर इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, माइक्रोब्स अंदर एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेज रिस्पॉन्सेस की, ये एप्लीकेशन के लिए मदद करते हैं, जो आपने जो साइट है किस साइट पर आपको करने वाले हैं, निडल वगैरह डालने वाले हैं, एडहेसिव बैंडेजेस कलेक्शन करने के बाद चिपकाते हैं ना डॉक्टर से, राउंड सी बैंडेज टाइप, कुछ बैंडेज नहीं चिपकाते, कुछ लोग सिर्फ आपको क्या देते हैं कॉटन दे देते हैं कि कॉटन का स्वैप थोड़े टाइम के लिए प्रेस करके रखो, तो ये हमारी बैंडेजेस वही होती है कलेक्शन करने के बाद, ताकि वो जो जगह है जहाँ पर निडल लगी है वहाँ से स्टॉप आपका हो सके, ब्लीडिंग ना हो। निडल डिस्पोजल यूनिट, निडल डिस्पोजल यूनिट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निडल को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, ना ही उसको बैंड करेंगे ना ही उसको रीकैप करेंगे। रीकैप का मतलब आपने यूज किया, यूज करने के बाद उसका कैप वापस से चढ़ा दिया, उसको वापस से कैप चढ़ा दिया और आपने फेंक दिया, उससे क्या हो सकता है कि दूसरा कोई और वर्कर है या कोई और वहाँ पैथोलॉजिस्ट प्रेजेंट है, उसको लगेगा कि ये यूज हुई ही नहीं है, तो हो सकता है वो उठा ले, उठाते का टाइम उसके हाथ में लग जाए, है ना, यूज करने की कोशिश करे, बाकी ये चीज अलाउड है ही नहीं। एक बार कोई सिरिंज गिर गई फेंक दी तो फेंक, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स तो लगी जाएंगे, तो हम कभी भी ओपन की हुई सिरिंज, ओपन की हुई निडल कभी भी यूज नहीं करते हैं। किसी एक इंसान के ही अगर यहाँ पर प्रिक किया आपने, प्रिक करने के बाद यहाँ से नहीं निकला, जनरली तो ये बोला जाता है कि उसको भी आप दोबारा प्रिक नहीं करोगे, क्योंकि
क्योंकि एक बार आपने उसको प्रिक कर दिया है, दोबारा उसी स्पेस से दूसरी जगह पर प्रिक नहीं करते हैं, जनरली नहीं किया जाता है, बट हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि लोग कर देते हैं। मुझे तो लास्ट टाइम बच्चों ने यही बताया था कि उनके गाँव में कोई पैथोलॉजिस्ट है जिसकी लैब है, वो क्या काम करता है कि नेडल को धो धो के यूज कर देता है। तुम्हें लोगों ने बताया था जागेश ने, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमें ना तो उसको तोड़ना है, ना ही उसको मोड़ना है, ना ही उसको रीकैप करना है, प्रॉपर डिस्पोजल यूनिट में उसको हमें फेंक देना है। कल हमने पढ़ा था डिस्पोजल कौन सी यूनिट यूज करेंगे हम यहाँ पर, शारदानी के लिए कौन सी गलत है, ग्लव्स को आपने देखे, ग्लव्स कैसे होते हैं हमारे, लेटेक्स के बने हो सकते हैं, रबर के बने हो सकते हैं, सिलाइन के बने हो सकते हैं, व्हाइट कलर के देखे होंगे ना आपने ग्लव्स, वही वाले जो कि प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को कि उसको प्लेट को वापिस ना हो जाए जो भी है। आई प्रोटेक्शन की बात करें अगर हम, तो आई प्रोटेक्शन के लिए भी हमें यूज करना चाहिए, वैसे कोई जनरली वेयर नहीं करता है। अगर आप नॉर्मल ब्लड कलेक्शन कर रहे हो तो आई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिरिंज की अगर हम बात करें तो आपका यूज क्या रहता है, जो कलेक्शन की होती है उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सब बाकी दो तरह के आपके कलेक्शन होते हैं ना, या तो आप डायरेक्ट सिरिंज से कलेक्शन कर रहे हो, या फिर आपका जो इवेपोरेटेड ट्यूब वाला कलेक्शन होता है ना उसमें सिरिंज को लगा के और ऐसे प्रेशर के साथ क्या आता है वो जो कॉन्वेटेड ट्यूब है डायरेक्ट उसके अंदर ब्लड फिल होता है। जैसे हमारा नॉर्मल ब्लड कलेक्शन का सिस्टम क्या है कि हम लोग सिरिंज से कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉल करेंगे, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद जो आपकी कॉन्वेटेड ट्यूब है ना उसमें फिक्स है कितने ही अमाउंट में ब्लड फिल होगा, 2 ml है तो 2 ml ही फिल होगा, तो आपने डायरेक्ट उसको लगा दिया और इसको बांधते हैं, यह है आपके ग्लव्स, ये है आपकी वाइल्स जिसके अंदर आपको करना है, और ये है आपकी कॉन्वेटेड ट्यूब जिसके अंदर सिरिंज ऐड है। और यहाँ मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आपका प्रेशर होता है, रबर स्टॉपर होता है, इसके अंदर अमाउंट फिक्स होता है कि आपने जब कलेक्शन किया उतने ही अमाउंट में ब्लड इसके अंदर फिल होगा, उससे ज्यादा फिल नहीं होगा। वेन बन चलते हैं, अब बात करते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के इक्विपमेंट्स की। स्टेराइल लेंसेट आपको चाहिए जो कि कैसा होगा, रिट्रैक्टेबल टाइप का होगा। टिप उसकी कितनी होगी, यानी कि उसके अंदर से वो पिन निकली हुई होती है। किसी घर पे किसी को शुगर है, चेक करते हैं घर में शुगर मशीन से करते होंगे ना, तो उसकी जो टिप होती है उसकी सुई होती है कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी सी होती है ना, क्योंकि हमें उसके लिए कैपिलरी ब्लड चाहिए, कैपिलरी ब्लड चाहिए। तो इसकी जो टिप होती है 2.4 ml तक की होती है। टिप लेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है कितना आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है। न्यूबॉर्न के लिए जो लगभग 12 months तक के बच्चे होते हैं उनके लिए 0.85 ml तक की ही यूज की जाती है सिर्फ नेडल, 0.85 ml तक की ही नेडल यूज की जाएगी, उससे ज्यादा यूज नहीं की जाती। अल्कोहल वाइप्स हमेशा 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले होंगे। नेक्स्ट स्टेराइल गेल गॉज पैड्स होंगे जिससे कि जो आपका फ्री फ्लोइंग ड्रॉप है उसको इजीली निकाल सके। ग्लव्स यूज किए जाते हैं, ग्लव्स हमेशा हर कलेक्शन में यूज किए ही जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लड गलती से आपके हाथ पर टच हो गया और हमें नहीं पता हमारी स्किन कहाँ से कट है और स्किन के कट्स में वो ब्लड एंटर करके आपके स्किन के अंदर चला गया, तो आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी जा सकती है। अगर उस इंसान को बीमारी की कोई ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर था तो आपके अंदर वो चीज ट्रांसफर हो सकती है। आई प्रोटेक्शन की यूज करते हैं। नेक्स्ट शार्प डिस्पोजल यूनिट्स का यूज करेंगे हम हमेशा, जितने भी शार्प्स होंगे उनको हमेशा हम लोग शार्प डिस्पोजल यूनिट में ही डिस्पोज करेंगे। आगे बात करते हैं, ये रहे आपको दिखाए हुए लेंसेट वगैरह दिखाए सारे कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के, तो बच्चों के लिए जो वाइल्स होते देखे छोटे ऊपर वाले से छोटी है नहीं तो छोटी यूज होती है, लेंसेट वगैरह दिखाए हैं। अब आगे बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज की, जो आपने किया हुआ है सेंट्रीफ्यूजेशन सबने सीखा है। तो सेंट्रीफ्यूज हमारा बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है, सॉलिड और लिक्विड को अलग करता है, ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स है, क्योंकि हम ब्लड को अगर सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मा एंड ऊपर लिक्विड वाला पोर्शन यानी सीरम वाला पार्ट आ गया और नीचे सेल्स वाला पार्ट रह जाता है, और अगर हमें कोई भी
बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट लगाना है तो हम लोग सीरम से ही लगाते हैं, तो हम सीरम को अलग निकाल के टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो कि बिल्कुल घूमती है, आरपीएम से घूमती है, आपकी यहाँ पे जीरो ने आरपीएम हुआ है 850 से लेकर 1000 तक के, उससे चलाते हैं हम लोग 10 मिनट्स तक हमें इसको घुमाना होता है, जिससे कि स्पिन करने के बाद वो दोनों चीज़ें हमारी सेग्रीगेट होकर मतलब अलग अलग हो जाएंगे। और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, हमें चाहिए शार्क डिस्पोजल कंटेनर, उसका यूज़ क्या होगा, जिससे कि हम लोग मिनरल्स को डिस्पोज कर पाए अच्छे तरीके से। टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट अगर कर रहे हैं सैंपल्स को, जरूरी नहीं है हमारे लैब के अंदर ही वो सैंपल हो पा रहा है टेस्ट, तो अगर हमें कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास ये रैम होनी चाहिए। ट्रांसफर पिपेट्स जो हम लोग पिपेट्स जनरली अपनी लैब में यूज करते हैं, व्हाइट कलर की पिपेट्स आपने देखी है ना, जिसमें हम लोग अमाउंट फिक्स कर देते हैं, फिक्स करने के बाद उससे आप जितना नीचे के उतना ही अमाउंट में फिल होता है। सिर्फ अगर 20 ml करना है तो 20 ml ही फिल होगा वो वाली पिपेट्स। कूलर एंड कोल्ड पैक्स, जिससे कि जो आपकी शिपिंग कर रहे हैं कई बार हमें अगर भेजना पड़ गया, जैसे इस लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर मशीन नहीं है तो मैं दूसरी लैब में वो भेज रही हूँ, तो वहाँ के लिए आपको कोल्ड पैक्स होने चाहिए, मतलब आप बर्फ में रख के भेज दें जिससे कि आपका जो सैंपल है वो खराब ना हो। सिल्वर ग्लोव प्लास्टिक बैग होने चाहिए, डिसेंट पैक्स होने चाहिए, ह्यूमिडिटी इंडिकेटर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी इंडिकेटर क्या होता है, हमारा ह्यूमिड कितना बढ़ गया है, कम हो गया है, उसकी वजह से हमारे जो ब्लड सैंपल है उसमें इफेक्ट पड़ता है। जब हम सप्लाई कर रहे हैं हमें जब टाइम टाइम पर पता चलते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ब्लड है वो खराब हो जाए, उसके जो सेल्स हैं वो ब्रेक होनी शुरू हो जाए या वो बेकार हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे सैंपल सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। या आपके शार्क डिस्पोजल कंटेनर इन्होंने यहाँ दिखाया, रेड दिखाया, टेस्ट ट्यूब रेड दिखाई हुई,